हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल है संडे और आज है सैटरडे। हम लोग छुट्टी मनाते हैं प्रोजेक्टर के साथ। वीडियो आपको बना के दिखा चुकी हूँ प्रोजेक्टर का। तो हमारा जो घर का थिएटर है वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ फिर से। 4 महीने के बाद प्रोजेक्टर का क्या हाल है वो आप देखेंगे। तो वीडियो जो आप देख रहे हो प्रोजेक्टर में वो हमने अपने ही चैनल का लगाकर आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। इसकी जानकारी आपको मेरे हस्बैंड अच्छे से देंगे। 4 महीने के बाद आपको फिर से रिव्यू सुनने को मिलेगा इसके बारे में। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप गौर से सुनिएगा, तो उनसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में। मूवी टाइम ये बैठे हैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए, सब काम धाम छोड़ के और पढ़ाई भी छोड़। हमने ये प्रोजेक्टर आज से 6 महीना पहले लिया था और अभी हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं। तो ये 6 महीना पहले लिया था ये प्रोजेक्टर और 6 महीने के बाद हम आपको आज फुल रिव्यू दे रहे हैं। हॉनेस्ट रिव्यू हम आपको दे रहे हैं। इसमें हम इतना सा भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं और कोई भी ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। हमको 1 रुपए का किसी ने प्रमोशन करने के लिए पैसा नहीं दिया गया, हमने अपने पैसे से इसको खरीदा था। और आज ये प्रोजेक्टर 6 महीने के बाद भी वैसे ही रन कर रहा है जैसे 6 महीना पहले जब हमने इसे लिया था। यहाँ तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरा नेटवर्क कनेक्शन काफी बेकार चल रहा है अभी, इस समय नेट चल नहीं रहा है, उस पर ना जाए आप लोग। देखिए यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स लगाया है और नेट को आज ही खराब हो रहा था। कोई चीज करने जाओ तो काम बनता ही नहीं है, जबकि काफी फास्ट नेट है लेकिन आज ही बंद होगा जिस दिन काम रहेगा उसका, बाकी दिन तो फास्ट चलेगा। प्रोजेक्टर में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमारे नेट में है। क्या मालूम उसको पैसा इस मैंने दी थी कि नहीं दी थी नेट। अभी चल ही नहीं रहा, एक काम करा जाए इसको पॉज किया जाए, हम वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक मूवी ऑन की है नेटफ्लिक्स से और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। काफी बड़ी स्क्रीन है ये, देखिए आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। काफी बड़ी स्क्रीन है इसकी, आप अभी जितना पीछे अगर प्रोजेक्टर आप लगाओगे उतनी बड़ी स्क्रीन होगी और ये स्क्रीन का भी काफी मेरे हिसाब से 120 इंच होंगी, जहाँ तक मेरे मुझे ऐसा लगता है 120 इंच है। आप चाहो तो अब मैंने जहाँ प्रोजेक्टर अपना माउंट किया है उससे करीबन ये 4 या 6 मीटर की मैंने जगह पर इसको माउंट किया है। और आप चाहो तो पीछे भी कर सकते हो, आवाज यहाँ थोड़ा कम में कर रहा आवाज और कॉपीराइट ना जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पॉज बैक लेता हूँ और साथ ही साथ आपको बताते भी रहता हूँ कुछ और मूवी में ऑन करता हूँ यहाँ पर। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर है 5 वोल्ट का। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए ये तो नेटफ्लिक्स में यूज कर रहा हूँ और इसको मैं पहले बैक ले लेता हूँ क्योंकि कुछ और मैं यहाँ प्ले करता हूँ फटाफट, कोई कॉपीराइट आ सकता है मुझे, इसलिए 2-2 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने जुरासिक वर्ल्ड मूवी मैंने किया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको तो आप देख ही रहे हो, जैसे मैं एक लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। ये देखिए मैंने यहाँ लाइट ऑन किया हो तब भी इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, अच्छी खासी है। और मैंने इसका ब्राइटनेस वैसे भी कम रखा हूँ, आप चाहो तो 100% भी कर सकते हो ब्राइटनेस। और यहाँ पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरा मैन से बोलना चाहता हूँ, इस तरह का मैंने एक बोट कंपनी का होम थिएटर 2.1 वाला स्पीकर मैंने लिया है। और जब आप इसको कनेक्ट करते हो, और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये तो स्पीकर आप देख रहे हो ब्लूटूथ वाला, और आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ अपने ये प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने MI बॉक्स इस्तेमाल किया है ताकि MI बॉक्स से क्या है, अगर आप प्रोजेक्टर के थ्रू अगर कोई भी यूट्यूब प्ले करते हो नेटफ्लिक्स तो मेरे ख्याल से इसमें चलता नहीं है प्रोजेक्टर में, और यूट्यूब भी 480p चलता होगा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्टर के लिए आपको एक एक्सटर्नल एंड्रॉयड TV बॉक्स लेना चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि इस तरह का अगर आप प्रोजेक्टर ले रहे हो 12,000 के रेंज में तो इस तरह का आपको MI बॉक्स ले लेना चाहिए। इसके थ्रू काफी अच्छा इसका जो रेजोल्यूशन है, जो HDR क्वालिटी है 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से 6 महीने का मैं आपको इसका जो भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। 6 महीने से वैसे ही चल रहा है जैसा फर्स्ट डे चलता था, आज भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा का एक MI बॉक्स एंड्रॉइड TV बॉक्स आप कोई भी ले लेना। पिक्चर क्वालिटी देखिए, दिन के लाइट चालू में कैसा दिख रहा है आप खुद देखिए। और यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ
और लाइट ऑफ करने के बाद आप खुद देखिए, और मैं फिर से एक बार फिर से आ रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। और चलिए अब मैं आपको एक स्पीकर दिखाना चाहता हूँ अपना, एक ये एक होम थिएटर तो नहीं बोल सकते, 2.1 वाला स्पीकर है, ये बहुत पुराना है मेरा, कम से 2-3 साल पुराना स्पीकर है, और इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं इसको ऑन करता हूँ तो आवाज यही सी आएंगी इसकी। एक आप होम थिएटर का भी एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, आपको बढ़िया होम थिएटर जैसे थिएटर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप इस प्रकार का कोई भी स्पीकर ले लेते हो एक्सटर्नल। तो बस दोस्तों 6 महीने का जो भी एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा प्रोजेक्टर है, बजट प्रोजेक्टर है, 12,000 या 13,000 के रेंज में आता है। जब हमने लिए थे 6 महीना पहले उसी में ऑफर चल रहा था, 10,000 का हमको पड़ा था ये, और अभी पता नहीं हम लोग जब से हमने इसको लिया तब से हम लोग हैप्पी है, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग कोई भी थिएटर पीवीआर या इंप्रेस मॉल या फिर कोई भी पीवीआर मॉल या कहीं हम लोग जाते नहीं थिएटर, कहने का मतलब यही है कोई भी हम लोग थिएटर नहीं जाते जब से हमने इसको लिया है। दिन के रोशनी में भी आप देख पा रहे हो किस तरह से दिख रहा है, जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया ऑफ लाइट ऑफ ही करके चलाएं, आप देखिए पूरा दिन उजाले में और लोग पूरे इंजॉय करते हैं फैमिली, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बच्चे घर में है तो कार्टून वार्टून देख सकते हैं, हम लोग इसी तरह से हम लोग इंजॉय करते हैं हमारी फैमिली, हम लोग चिप्स विप्स के पैकेट ला लेते हैं और घर भी हम कोई भी अच्छी मूवी लगा के, और जैसे हम, और ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम लोग सिर्फ सैटरडे या संडे के दिन मूवी देखते हैं, अभी जस्ट समर खत्म हुआ है, पूरे 2 मंथ्स के समर में हमने पूरा 2 महीना इसको प्रोजेक्टर को अच्छा यूज किया, डेली हम इसको 4 घंटा यूज करते हैं, 3 से 4 घंटा, और 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू इसको यूज कर रहे हैं। आप सोचोगे कि हफ्ते में एक बार यूज कर रहे, ऐसा नहीं है, 6 महीने से कंटिन्यू डेली 3 से 4 घंटा हम इसको यूज कर रहे हैं, और इसका ब्राइटनेस वैसे ही है जैसा फर्स्ट डे था। तो यहाँ बच्चों की पार्टी हो रही है, चिप्स पार्टी है, और इसी तरह आप भी एक 10-12 हज़ार का प्रोजेक्टर ले सकते हो, और अब पैसे जो मूवी थिएटर में फेंकते हो, क्योंकि आपको पता है यार कि 10,000 जब आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो अगर बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो आपका पॉपकॉर्न कितना महंगा है, साथ ही साथ पिक्चर की टिकट भी काफी महंगी है, तो जब भी अगर आप अपनी फैमिली को ले जाते हो तो कम से कम आपका 3-4 हज़ार आपके जेब में होना चाहिए। उससे अच्छा तो मैं आपको बोलूंगा एक बार ये प्रोजेक्टर ले लो और हर रोज थिएटर का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब रात का हमारी फैमिली को ये प्रोजेक्टर बहुत ही बेस्ट लगा है, हम लोग हर संडे सैटरडे इसमें मूवी देखते हैं और बिल्कुल थिएटर जैसा मज़ा हमें आता है, अपने घर पर बहुत इंजॉय करते हैं।